मेरे पास एक नौजवान आया, कहने लगा मेरे अब्बा जी को समझाएं, मैंने मर्जी की शादी करनी है और हर सूरत करनी है। और जाहिर है जो मर्जी की शादी कर रहा है माशाल्लाह वो पहले गैर महरम से बात भी करता होगा। मैंने मर्जी की शादी करनी है। मैंने उसे कहा बिल्कुल ठीक है। वो दलीलें देने लग गया, हमारे यहाँ लोगों को अपनी मर्जी की दलीलें भी आती हैं, इस्लाम में जायज है, इखलाक में जायज है, कानून में जायज है, फलानी जगह जायज है, सारी बातें याद आ जाती। मैंने उसे कहा कि तू मेरे पास आ। मैंने उसे अकेले में कहा पुत्र एक बात सिर्फ करनी है, तुमने नाराज नहीं होना, सिर्फ एक। इतनी बातें तुमने की मैंने सारी कबूल कर ली, बस मेरा सवाल यह है कि पसंद की शादी करना सिर्फ तेरे लिए जायज है या तेरी हमशीरा के लिए भी जायज है? ये सबक दे दे मुझे, इसका जवाब दे कि तेरी बहन के लिए भी तो जायज है ना, कि अगर वो चाहे तो पसंद की शादी। तो चुप कर गया, कहने लगा वो तो ऐसी नहीं। मैंने कहा चल तू तो है ना, वो ऐसी नहीं तो तू तो है ना, अल्लाह करे ऐसी हो भी ना, सिर्फ मिसाल समझाने के लिए।